दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी चोणां दी करीब आ रही तारीख दरमियान पंथक हलकियां च सियासी हलचल भी तेज हुई है। श्रोमणी अकाली दल दिल्ली मुखी परमजीत सिंह सरना दी अगवाई विच मैंबरशिप मुहिम दे तहत वड्डी गिनती विच नौजवानां ने श्रोमणी अकाली दल दिल्ली विच शमूलियत कीती है। यह मैंबरशिप मुहिम श्रोमणी अकाली दल दिल्ली यूथ विंग दे महासचिव गुरप्रीत सिंह लाली मालवीय नगर दी देखरेख च चलाई गई। नवें मैंबरां दा स्वागत करदे होए परमजीत सिंह सरना ने नौजवानों नूं पंथ नाल जुड़े मुद्दों नूं लैके जागरूक होने की अपील की। इस दे नाल ही उन्होंने दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी च होने वाले बदलावों नूं लैके अपने विचार सांझे कीते। सरदार सरना ने दस्सिया कि अज मुलाजमां नूं 8-8 महीनों तो तनखाहां नहीं मिल रही। हालात अजिहे हन कि अध्यापकों नूं कमेटी प्रधान दे दफ्तर विच वड़ के अपनी मेहनत की कमाई मंगनी पै रही है। आगू जी दे कोल अपने ही स्टाफ नूं मिलण लई वक्त नहीं है। अज साडे स्कूल कॉलेज सब खंडर बन चुके हैं। जदों बच्चों का भविख ही नहीं होगा तो पंथ का भविख किवें बचेगा। अपनी पार्टी के विजन नूं गणवाउंदे होए दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सबका प्रधान सरदार परमजीत सिंह सरना ने अध्यापकों नूं फिर तो 30 तारीख नूं तनखाह जारी करन दा वादा कीता अते बच्चियां दे लई कौशल केंद्र स्थापित करन दा यकीन दवाया है। उन्होंने अपील की कि नौजवानों गुमराहकुन प्रचार अते बहकावे च आउण वाले बयानां तों परहेज करदे होए जमीनी हकीकत वेखणी होवेगी। इस वार तुहाडी अंतर आत्मा की आवाज़ नूं सुन के वोट करो। श्रोमणी अकाली दल दिल्ली दे यूथ विंग मुखी रमणदीप सिंह सोनू ने नवें मैंबरां दा स्वागत करदे होए अपनी पार्टी दीआं उपलब्धियां गणवाईआं। उन्होंने कहा कि साडे समें विच GHPS स्कूलों च एडमिशन लैण दे लई लाइनां लगदियां सन। अज कोई अपने बच्चों नूं इन्हां स्कूलों च भेजना नहीं चाहुंदा है। संस्थावां दी हालत जर्जर है। सरदार परमजीत सिंह सरना जी दे समें च अजिहा कोई खेतर नहीं सी जिस विच विकास काम ना होए होण। अमृतसर विच संगत दे लई सरां चार चार कॉलेज डिग्री कॉलेज अते बीएड कॉलेज भी बनाए गए। मालवीय नगर मैंबरशिप मुहिम की अगवाई कर रहे गुरप्रीत सिंह लाली ने विरोधियों नूं सीधे हथी लैंदे होए दस्सिया कि बादलों के लोग सिर्फ संगत नूं गुमराह कर रहे हैं। बाला साहब हॉस्पिटल का वादा सी अते एक डायलिसिस सेंटर देख के भरमाया जा रहा है। प्रचार की आड़ विच संगत अते पंथ की भलाई पिछे जा चुकी है। मैंबरशिप मुहिम विच हरगोबिंद एनक्लेव सुल्तानपुर शेख सराय फेज 2 मालवीय नगर फतेहपुर बेरी छतरपुर छतरपुर एक्सटेंशन इत्यादि इलाकों तो संगत ने शमूलियत की। श्रोमणी अकाली दल दिल्ली का साथ देने का अहद लिया है। मालवीय नगर कंस्टिट्यूंसी तो आए अलग अलग कलोनिया तो गुरु प्यारे हो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं अज तुहाडे इलाके दे तुहाडे दर्शन करके बड़ी खुशी महसूस हो। साथी सन ना भावें सिक्का साहब सन तो भावें अलग सी तो भावें कुलवंत सिंह चला गया। इन्ह की सारी जिहड़ी मैनेजमेंट टीम सी ना ये बहुत सुचजी ईमानदार और गुरु प्रति समर्पित टीम सी और इन्होंने अपने स्कूल नूं बहुत ऊंचाइया तक लैके गए। 1000 बच्चा पढ़ता सी जब खन्ना साहब चेयरमैन बने सन। जब हटे तो 2000 बच्चा सी। अज इन्हां कोल पुछो भी तुसी आए सो तो किन्ने बच्चे ते जाओगे तो किन्ने बच्चे। मैनू एक दिन मनजीत सिंह मिल गया कितने 1.5-2 साल पहले। कहने लगा जी तुसी भर्ती बड़ी कीती सी जी। मैं कहा पहले तो हैगा भी तुहाडा ये तकिया गुलाम बन गया और कोई नहीं बनया तो यही कह दियो भर्ती बड़ी कीती सी। कल चांस रात मैं 12 बजे ने किसी ने उदी कोई पुरानी वीडियो भेजती तो सीओ हित अपना सरसे का बंदा कहने जी अब मनजीत ने तुम्हें बड़ा भोला किया। मैं कहा जी कोई गल नहीं मैं जवाब दे देंगा सुन के। जल मैं पढ़ी तो मैंने कहा भी ये तकरीबन 5 साल पुरानी टेप हैगी जवाब मैं इदा भी दे देंगा। वो कह रहे थे 400 बंदे फालतू भर्ती करके गए सन। मैं कह जी अब्बल तो मैं 4 भी नहीं किते। चल मैं कह रहा मैं तेन झूठा नहीं कहता तो सच्चा है पर तू मैं ये दस उन्हें 4 से उन्होंने कभी तनखा मिली कि नहीं मिली कभी उन्हें स्ट्राइक की कि नहीं की कभी उन्होंने दिल्ली कमेटी के दरवाजे आके खड़काए कि नहीं खड़काए एजिटेशन कीतियां कि नहीं कीतियां। इस गल का जवाब दे सानू पता सी लै लैने ना हुण जिहड़ा डायलिसिस सेंटर खोलिया ने
पर सानू बेवकूफ बनाने से बाद लिखा ने डायलिसिस हॉस्पिटल, कभी सुनया नहीं किसी ने क्या डायलिसिस हॉस्पिटल। जब तुम हॉस्पिटल लिख ही दिता उसे आईसीयू का प्रबंध करते हो, ब्लड बैंक का तो प्रबंध करते हो, उसे जेडे कैमिकल पाने होंगे उन्होंने मशीन तो लै लो, 20,000 रुपए की मशीन नहीं है, वह थाना घुलते पे हो। जिमें खन्ना साहब की दुकान के कोल पकौड़े वाली दुकान है, बड़े मशहूर, थाना घोल के पकौड़े खवा रहे, मतलब कोई नॉनसेंस है यार, हद होई पई कि सदी च असी बैठे हाँ। और जो इस अस्पताल की हालत होनी है कोई कह नहीं सकता। 28,000 कल एक बंदे की वीडियो आई है सानू, 28,000 घंटे पुरानी मशीन की रहेगा उन्होंने मशीन जी। फिर तुम ये सर्टिफिकेट लेन जिन्हों को पुराने लेन बच्च एच पी दे पेशेंट कोई नहीं इस्तेमाल होने लेन सर्टिफिकेट दिता से, जे एच पी दे पेशेंट उतो अपना डायलिसिस करा के गए जोड़ा नवा है ठीक होगा नहीं होगा एच पी और चिपट जाएगी। मैं कह रहा ये 8 साल एक दस दिन किस खिते इन्होंने कौम की सेवा की है, किस खिते अज कई कहें जी बड़ा पापुलर हो गया जी, किसान लंगर बड़ा बनता पाया जी। मैं क्या लंगर भी वंडन की कोई सिख किसे ने अज तक लंगर वास्ते कोई अपनी महिमा खट्टी है तो मैं दस दौ, किसी छोटी चो छोटी सिंह सभा ने भी कहा भी मैं लंगर पका रहा जी, मैं लंगर पका रहा, ये लंगर की शोभा कर रहे वैसे लंगर छका रहे हैं। तुसी कोलो करो तो फिर तो कर लो, कोई नहीं, अगर तुसी कोलो पैसा खर्च के लंगर करा रहे हो ता भी ये गुरु नानक का लंगर है, जब लंगर हो गया तो फिर गुरु नानक का है, फिर तुहाडा नहीं है। असी 5-6 दिन वास्ते क्या सी लंगर चलावांगे, इस मुंडे ने सवेरे रोज सवेरे 6 घंटे ड्यूटी देनी, सानू पता ही लगा चली गया। तुहाडे इलाके की संगत भी 2 बार सेवा करके चली गई, मतलब इन्हां कोल ये तो पुछो ना तुसी कीता की 8 साल च, इस तो वड्डी की होगी, 2 प्रधान बने, 2 प्रधान दे उत्ते दोनों प्रधानों ते FIR आ गई, दिल्ली कमेटी दे किसे प्रधान ते करप्शन दे केस भी FIR आ गई। फिर EOW दे विच FIR दा मतलब दा है कि करोड़ों रुपए दे कपले होए ने, वरना थाणियां च हो जांदे ने, EOW केस तो ही हो जाता है जब रकम करोड़ों में हो, और खाते इन्होंने पैसे, मतलब ये अगर बच जाए सजा रफ्ता तो सन फड़ लेना, असी अपने इतने हद तक किसी का दावा भी करावे तो इन्हों का जेड़ा कंपनसेशन होगा वह भी भुगतान। 2015 दया पुछना चाहता ना, भावे ए सी भावे बी सी प्रधान इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी के विरुद्ध कुछ एक आवाज उठाई है, दसो उस बेदबी के विरुद्ध कभी बादलों को रोस प्रगट किया, दसो मैं जेडे गुरु के नहीं आए थोड़े कितने हो जाएंगे। मैं तो एक बार पूछना चाहता जेडे गुरु को बदावा दे के ते माई भागो ने कहा हूं शहीदियां दो तो बदावा वापस लो, ये कड़िया शहीदियां देंगे जी, ये तीची उंगली का पोटा भी कटा के राजी नहीं है। इस वास्ते अगे देखो गल ऐसी अगे मैंबर के होंदा सी, अच्छा जी खन्ना साहब के मुकाबले वो दविंदर है की ना है वह गए है गुरविंदर, चलो गुरविंदर सही, चलो उदे सामने हो बे उदे सामने देर वाजे पर्सनैलिटी क्लैश भाई, कोई खन्ना साहब अच्छा समझा सी, कोई गुरविंदर समझा सी, कोई मैन समझा सी, कोई मेरे सामने मनमोहन सिंह समझा सी, इट वाज ए पर्सनैलिटी क्लैश। हूं तो पर्सनैलिटी क्लैश है ही नहीं, हूं तो सीधी गल हैगी भाई गुरु घर के दुखिया को गुरुद्वारे आजाद कराने ने नहीं कराने, कोई कसर रहती है किसी कौम मारना हो
दो चीजा खोलो, एक उदी जबान और एक उदी एजुकेशन, इन्हें दोनों खोलिया असी स्टोर करनिया। इस वास्ते चलो ये तो साढ़े भी कुछ कीमती है तो थोड़े भी कुछ कीमती है भाई। अमूमन बाप के उत्ते बेटे अजकल बहुत घट जाते हैं, पर ये चलो अपने पिता के नक्शे कदम से चलिया, इसको साथ दिता सिक्का साहब वर्गिया ने, अलग ने तो उन्होंने बाकी साथियों ने। सिक्का साहब इसकी सिफारिश कर आए सन, मैं क्या खन्ना साहब चले गए हूँ टिकट ही दी है और मैं किसी नहीं दी। खन्ना साहब ढिले की आम है, पर हूं खन्ना साहब चले गए हूं इधर कार मैं टिकट नहीं देनी। सो मैं थोड़ा धन्यवादी हाँ, तुम एतवार के दिन अपना वक्त कट के इतने आयो, साड़ी पार्टी नूं साड़े उम्मीदवार नूं तुसीं मजबूत बनाया है। मेरे कोई लफ़ज़ नहीं तुहाडा धन्नवाद कर सकां। ए अज गुरु तेग बहादुर साहब दा मान स्थान ते तुहाडे नाल वादा करदा कि जो कुछ होया इस नूं सब कुछ खत्म कर देंगे ते पहले नालों उच्चियां उचाइयां ते दिल्ली दे एजुकेशन सिस्टम नूं, कालजां नूं, प्रबंध नूं और गुरुद्वारा कमेटी दे निज़ाम नूं उस जगह ते लैके जावांगे जिथे श्रोमणी कमेटी भी नहीं होगी। इतने गल करदा आया अकाल पुरख की अरदास करदा सच्चे पातशाह जे लफ़ज मेरे मुंह तो कढाए ने उन्हों पूरा करें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। सन्मानयोग शख्सियतां जिहड़ी कि वार्ड नंबर 37 मालवीय नगर तो इत्थे आए हां, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के प्रधान सरदार परमजीत सिंह सरना ते उन्हां दी समुची टीम वालों आप जी नूं जी आया कहते हैं। आप सारे ही जिवें कि जानते हो कि आने वाले समय के विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोणां होने वाली हैं। इन्हां चोणां दे विच मकसद यह होंदा है मैंबर बनन दा कि जिहड़े साडे गुरधाम है उन्हां दे विच सिखी का प्रचार किया जा सके, गुरमर्यादा लागू की जा सके। जेड़े इंस्टीट्यूशन अदारे स्कूल दिल्ली कमेटी के अधीन आते हैं उन्होंने जोड़ा प्रबंध है वह सही ढंग न सुचारू रूप में चलाया जा सके। अकाली दल दिल्ली जी कि बहुत लंबे समय तो यह गुरधामा की सेवा भी की है, स्कूल इंस्टीट्यूशन का प्रबंध भी किया, अपने बच्चों के लिए नवे इंस्टीट्यूशन खोले जिमें कि मैनेजमेंट कॉलेज खोले गए, बी एड के कॉलेज खोले गए, पॉलीटेक्निक खोले गए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिया गया, जिन्हां दे विच साडी कौम की पंजीरी जिहड़ी है वह पढ़ के अगे ये कोर्सिस करके अपने रोजगार या इंप्लॉयमेंट जिहड़ी है वह प्राप्त कर सकदियां हन। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जिहड़े मैंबर साहबान होंदे है उन्हां दा यही फर्ज होंदा, यही काम होंदा कि इन्हां दा जिहड़ा प्रबंध है सुचारू रूप नाल चलाया जा सके। पर जे असीं मौजूदा हालातां दी गल करिए ते आप सारे जानते ही हो सोशल मीडिया राइज, न्यूज़ राइज, टीवी राइज कि अज जिहड़े इंस्टीट्यूशनस है ये ऑलमोस्ट बंद, कुछ बंद हो गए हैं ते कुछ बंद होने की कगार ते है। उदा कारण सिर्फ इको दे एक वड्डा कारण यह है कि साडे जिहड़े प्रबंधक हैगे है वह आए तो सेवा करन दे नाम नूं सी, पर उन्हां दा मकसद सीगा कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की चोणां नूं पौड़ी बना के अगे पोलीटिकल जिहड़ियां पोस्टां हैगियां भावें वह काउंसलर है, MLA है, सरकारां कोलों होर अहुदेदारियां जिहड़ियां लै सकन, उन्हां दा ध्यान उस पासे होण करके साडे इंस्टीट्यूशन की जिहड़ी हालत सीगी वो इन्नी खराब हो गई कि जेड़े साडे टीचर्स है, इंपलॉयज है, उन्होंने सैलरी देने तक के दे भी पैसे साडे दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी नहीं है। असी अकाली दल दिल्ली के प्रधान सरदार परमजीत सिंह की सोच की गल करिए, इस तो पहले जब असी शुरू च दरबार साहब जाया करते सी ते दिल्ली की संगत नाल उत्थे वितकरा हुंदा सीगा,
उत्थे कमरे लैन जाइए कुछ करन जाइए। ते परमजीत सिंह सरना ने हमेशा ही दिल्ली दे जिहड़े सिख है उन्हां दी सोच नूं मुख रखदे होए उत्थे एक बहुत ही वधिया गुरु तेग बहादुर निवास जिहड़ा आदिशान उह बणाई सी सराह उत्थे जिहदे विच लगभग 90 कमरे हैगे आ। ते असीं उत्थे जाके दिल्ली दी जिहड़ी संगत है हुण वी उत्थे जाके ठहरदी है ते उहदा जिहड़ी गल्लबात उत्थे करदी है। इस तों बाद असीं गल करीए दिल्ली विच प्रधान साहब ने 4 मैनेजमेंट दे कॉलेज बनाए अपने जिहड़ा इहनां दा टेन्योर सीगा उहदे विच 2 कॉलेज पंजाबी बाग दे विच सीगे एक हरगोबिंद इनकलेव ते एक नानक प्यो साहब गुरुद्वारे दे विच। एक कॉलेज जिहड़ा इंजीनियरिंग दा इंद्र प्रस्थ गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी दे अंडर है उह लजोरी गार्डन च बनाया प्रधान साहब ने। उहदे विच 70% जिहड़ा कोटा है उह साडी सिख मिनोरिटी दा कोटा है। 600 सीटां विचों 420 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੈਂਕ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ 6-7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ऐसे उपराले किए जा सकन कि वह पढ़ाई करके अपना रोजगार जरा है वधिया तो वधिया मल्टीनेशनल कंपनी प्राप्त कर सकन। जे असी गल करिए बाला साहब अस्पताल च भी प्रधान साहब की बहुत वड्डी सोच सी कि अगर वह 550 बिस्तरां दा हॉस्पिटल बनता तो लगभग 3-4 साल एक मैडिकल कॉलेज भी असं अपलाई कर सकते सी। वह भी मनोरिटी साडा कोटा होना सी। दिल्ली में 4 डिग्री कॉलेज है गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज खालसा कॉलेज देवनगर ते खालसा कॉलेज नोरिस नगर ते माता सुंदरी कॉलेज इन्हां सारिआं दे विच असीं गल करिए 50% जिहड़ा मनोरिटी दा कोटा सीगा उह वी सरदार परमजीत सिंह सरना दी सोच ने ही उत्थे करवाया सीगा कि 50% जिहड़ा सिख बच्चे उत्थे एडमिशन लै सकदे आ। ते हुण वी आउण वालीआं चोणां 'च असीं आप नूं इही बेनती करदे आ कि अकाली दल दिल्ली एक ऐसी निरोल धार्मिक पार्टी है जिन्हें दिल्ली दे सिखां लई ਭਾਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਐਸੀ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ 2 ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਬਣ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ और एक छोटे लिए भी था कि मेरा नोटिस होते आप सारे ने इनवाइट की तो आप सारे ने इतनी बड़ी गिनती में खुशी देते आए हो और मैं आप सारे में एक बेनती भी करता हूँ कि सासे में जिता कि इलेक्शन हम बिल्कुल सेते हैं कल शायद नोटिफिकेशन भी आ जाने वाला है पहली तरीक में कहने प्रधान साहब आएगा और सासे में जी सिर्फ बेनती हो जाते हैं कल यह मैं हमेशा ध्यान रखना कि असि चुनाव कि लड़ते हैं यह जो चुनाव हैं यह दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव हैं सानू उसे पे फोकस करना कि साढ़े गुरुद्वारे का प्रबंधक जिहड़ा है और जिहड़ा साढ़े गुरुद्वारे का प्रबंध है वह कहो अगर प्रबंधक अच्छा नहीं होएगा तो प्रबंध अच्छा नहीं होएगा अगर प्रबंध अच्छा नहीं होएगा तो प्रबंधक जिहड़ा कितनी मर्जी कोशिश कर ले अच्छा हो ही नहीं सकता। और आप सारे ने क्योंकि इलेक्शन के विच ना जिदा जिदा इलेक्शन नेड़े आती रहती है बहुत सारे स्टोरिया बनाई जाती है बहुत सारिया जो झूठ को सच बना के दिखाने की कोशिश क्योंकि आप सारे ने यह याद रखना है कि पिछले जो 8 साल बीते हैं वो कहो जी मैं समझता कि मैं याद है प्रधान साहब के नाम जिसने फादर साहब मेरे चेयरमैन होंगे सन तो सू साल की 5-5.5 लाख रुपए फीस वहां अलाउड होनी थी सिक्का साहब बैठे रणवीर जी बैठे 35-36 लाख रुपए से साल की फीस माफ कर ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 28 ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 2 ਵਾਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ 49% 50% ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਫੀਸ਼ਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਔਰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਕਲੋਨੀ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਸ ਦੋਨੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਤਰਾਈ ਤਰਾਈ ਕਰਦਾ
ग्लोब एडवाइस ओवरसीज एजुकेशन ते इमीग्रेशन कंपनी हैगी है, सानू 35 साल का एक्सपीरियंस है। असी बच्चों उन्होंने प्रोग्राम सिलेक्शन ते स्कॉलरशिप्स विच हेल्प करने हैं। असी बच्चों अप टू 50 लाख तक स्कॉलरशिप्स लैके दित्तियां हुई ने। असी बच्चों के वीज़ा LORs SOP हेल्प करने हैं, तो पोस्ट लैंडिंग सर्विसिज एयरपोर्ट पिकअप ते उन्हां दी टेंपरेरी अकोमोडेशन दा इंतजाम भी करने हां। जेकर तुहानू साडा इह उपराला चंगा लगा है तां इस नूं लाइक करो, शेयर करो अते साडे YouTube चैनल नूं सबसक्राइब करो।